मेस मिठा चारा फिर मन सिखा पदिंग समाधियामी धम्मपद गाथा कथा नंबर 47 उपवक्की कथा है। ये जो कहानी है कथा है वो इस प्रकार से है। राजा पसेंदी जो कौशल राज्य का यानी कौशल प्रदेश या कौशल राज्य उस समय ना नाम था, तो कौशल राज्य का जो राजा था पसेंदी या पसेंजीत या प्रसन्नजीत, वो बहुत ज्यादा धम्म में यानी प्राकृतिक नियमों में अपने आप को रखता था और भगवान बुद्ध से और उनके धम्म से और उनके ज्ञान से वो ज्यादा इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपना सारा राजकाज धम्म के अनुसार प्राकृतिक नियमों के अनुसार जनता को सुखमय बनाने के लिए करने लगा। ज्यादा धम्म में गया तो उसने अपना जीवन भी सादा कर लिया और सादा जीवन रहते हुए राज्य का राजा रहते हुए वो प्रजा की सेवा में रत रहने लगा। अपने परिवार को जो उसका पुत्र था विदुडव जो था वो बाल बुद्धि था, उसको भी वो बार बार अनुव्यय करके कहकर कर्तव्य उसको दिखा दिखा कर उसको बार बार उसकी रिक्वेस्ट करके कहता था कि वो धम्म के अनुसार चले और धम्म के अनुसार ही अपने जीवन को ढाले। मगर जो विदुडव था उसे राजसी ठाट का राजा होने का बड़ा ही घमंड था और वो उसी में पला बड़ा हो रहा था और उसको वो ठाट चाहिए थे। चूंकि बार बार उसके पिता उसको ये कहते थे कि इसमें कुछ नहीं रखा, ये सब अनिच्य है अनित्य है, तुमको अपना जीवन धम्म के अनुसार करना चाहिए ताकि राज सुख में चले, मगर वो इस बात को इधर कान से सुनता उधर से निकाल देता। इस बीच में बार बार लगातार कहने से वो अपने पिता से चिढ़ने लगा, प्रसन्नजीत से चिढ़ने लगा और उसने ये पाया कि चिढ़ने का जो कारण है वो भगवान बुद्ध की धम्म की शिक्षाएं हैं, इसलिए वो भगवान बुद्ध से भी काफी ज्यादा चिढ़ने लगा। जब वो राजा बना और गद्दी का हकदार हुआ तो अपनी इस चिढ़न और कुढ़न की वजह से उसने भगवान बुद्ध के वंशजों के जो उनके परिवार के लोग पीछे रह गए थे शाक्य वंश में कपिल वस्तु के अंदर, वहां हमला कर दिया। हमला करने के दौरान में जितने भी शाक्य लोग थे वो सब अपनी जान बचा के, क्योंकि वो सभी धम्म को मानते थे इसलिए वो अपनी सुरक्षित स्थानों पर चले गए। वहां से लौट के आने के बाद चूंकि जो सेना थी उसकी और वो थक गया था तो वो अचिरवती जो रिवर थी यानी गंगा, अचिरवती गंगा, गंगा सभी रिवर को बोलते हैं, जितने भी भारत में नदियां हैं जो पानी बहता है जहां भी पूरे भारत में उन सबको पाली भाषा में गंगा कहते हैं। तो जो अचिरवती गंगा थी जो आज की डेट में राप्ती है, वहां उसने विश्राम स्थल लगाया और उसके किनारे पर विश्राम करने लगा। रात को अचिरवती गंगा थी उसमें पानी बढ़ गया, बाढ़ आई और वो सबको बहा के ले गई। इस बात की चर्चा जब भिक्खु संघ में हुई तो भगवान बुद्ध ने ये गाथा कही जो गाथा नंबर 47 है। गाथा नंबर 47 इस प्रकार से है। उपफानी हेव पची नंतंग व्यासत मनसं नरं सुत्तं गामं महो घो वे मच्चु आदाय गच्छति। पुफानी हेव पचि नंतं, पुफानी माने यहां फूल है और चूंकि ये फूल का वर्ग है, पुफ वर्ग है, पुष्प का वर्ग है, फ्लोवर का सेक्शन है, तो यहां जो पुफानी का मतलब है वो है जो जितने भी खराब आपने फूल चुने, जो क्रोध के, लालच के, दो मनुष्य के, द्वेष के, राग के जो फूल चुने। हेव माने होता है निश्चय ही और पची नंतंग माने होता है चुने हुए यानी चुगे हुए। व्यासत मनसंग, व्यासत का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा बुराइयों में रहता है, व्यसन में रहता है, ऐसे मन से युक्त व्यासत मनसंग यानी व्यसन के जो जितना भी व्यसन है उसके मन से युक्त। नरंग माने मनुष्य या नर, जो नर ऐसे व्यसन के फूलों को चुनता है निश्चय ही। सुत्तंग गामंग महा उघो,
यानी सुत्तंग माने तीन शब्द हैं सुत्तंग के। सुत्तंग का माने एक तो होता है सोया हुआ, एक सुत्त जो होते हैं जो मैं ये बोल रहा हूं जैसे सुत्त नंबर 47 से एक सुत्त ये है, और एक सुत्त बोलते हैं धागे को, उसको भी सुत्त बोलते हैं। सुत्त के पाली में तीन मतलब हैं। यहां है कि जो सुत्त माने सोया हुआ, सुत्तंग गामंग, गामंग का मतलब है गांव, जो गांव है जो सोया हुआ गांव है। महा ओघो, महा माने बहुत बड़ी, और ओघो माने, ओघ माने होती है बाढ़, यानी जो बहुत बड़ी बाढ़ है वो सोते हुए गांव को, वह माने या मच्छू आदाय गच्छति। मच्छू, मच्छू का मतलब है मृत्यु, और आदाय का मतलब पकड़ लेती है, जकड़ लेती है, ले जाती है। यानी इस पूरी बात का मतलब हुआ कि जो व्यक्ति व्यसन के और जो दौर मनुष्य होता है या जो पाप कर्म होते हैं उनके फूलों को चुनता है, वो व्यक्ति को बाढ़ बहाकर ऐसे ले जाती है, यानी मृत्यु उसको ऐसे ले जाती है जैसे सोते हुए गांव को बाढ़ बहा के ले जाती है। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि अगर आप जीवन में आप अगर बुराइयां चुनेंगे, पूरे जीवन में आप बुराए काम करते रहेंगे, चाहे वो लोभ का है, लालच का है, व्यभिचार का है, शराब का है, या जो असम्यक आजीविका है, या जो असम्यक वाणी है, या असम्यक कम है, ये सारे जितने भी बुराई के काम है, पाप कर्म है, अगर वो आप जीवन में उनके फूल चुनते रहेंगे, तो वो जब फूल चुनने के बाद में जो उनका कर्म का परिणाम आएगा, उनका परिणाम आएगा, वो ठीक ऐसे आएगा जैसे रात के समय या दिन के समय चुपचाप बाढ़ आती है और वो पूरे गांव को बहा के ले जाती है, ऐसे ही अचानक मृत्यु आती है और वो शरीर को ले जाती है, समाप्त कर देती है निश्चित ही हर हालत में 100%। ये इसका मतलब है। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद।
साधु।